शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये आपका योर पर्स? जी नहीं, ये मेरा नहीं है। आपका नहीं है? नहीं। तो फिर ये किसका है? जानिदा। ओह मैम, यू कैन हैव योर पर्स। आउच। थैंक यू। मिस, अब क्या है? जी नहीं, ये भी मेरा नहीं है। नहीं, ये अपन का है। रख लो, तुमको बहुत सूट करेंगे। थैंक यू। मिस। यस, नाउ व्हाट? आज ईस्टर है तो माय नेम इज एंथनी। हेलो एंथनी। हेलो, आज ईस्टर है तो व्हाट इज योर नेम प्लीज? माय नेम इज जेनी। जेनी, टुडे इज ईस्टर तो तुम अपुन के साथ में वहाँ डांस करने को चाहिए? आई एम सॉरी, मैं किसी और के साथ कैथलिक जिम खाना जा रही हूँ। नेवर माइंड, चलो तुम इधर से जाना ही है। एक मिनट, हम अभी आता है। एक मिनट, जाना नहीं है। फादर, तुमको हमारे साथ क्या हुआ? वो अपन ने बोला था ना, हमारा माइंड का घंटी का बजा, वो बज गया। फादर, जल्दी करो फादर। तू कहाँ ले जा रहा है मुझे? अरे फादर, ऐसा ब्यूटीफुल लड़की हमने अपना लाइफ में नहीं देखा। चलो जेनी, जल्दी चले। लेकिन नो नो नो, प्लीज प्लीज कम। फादर कब खाएंगे? चलो तो सही। प्लीज फादर, प्लीज हरी अप, कम क्विकली। देखो ये हरी किधर गया? अभी तो इधर था, लेकिन वो वन मिनट फादर। हाँ, you leave me. Wait, and come on. Oh, if you got your jar, come on, come on. I tell you, what are you hiding your face for? Come on. That's good. Yeah. Come on, man. Come on, come on. Anthony, come on. That's not the way. I'll show you. Come on. You leave me, I'll show this guy. You leave me, Jenny, I'll show this. Leave me, Jenny, I'll show this man. You leave me. बस हो गया पिटाई। कुछ कुछ तेरे को हम इसका वास्ते ही बोलते थे कि दारू मत पी, मत पी, मत पी। दारू खराब चीज है। तू अगर दारू नहीं पियला होता तो क्या वो जाया तेरे को मारने को सकता? और तू खुद बोल तेरे को मारने को सकता? अरे एंथनी भाई, तुम अकेला ही 10-10 आदमी को मारने को सकता है, पर तुम अपन का सुनता ही किधर है? किधर ही सुनता है?
देख अपना थोपड़ा देख, देख अपना थोपड़ा आईने में जाके देख, कितना मारा तेरे को, कितना मारा, पक्का इडियट दिखता है, इडियट। अभी तुम खड़ा रहने गए, थोड़ा दवाई लगाया हिलने का नहीं, एक्सक्यूज मी, ए हिलते काय को भाई, खड़ा रहने का है, स्टडी 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 स्टडी। देख मैं ये तो चलेगा हाँ, लेकिन चिल्लाने का नहीं, क्या अब उनका गुस्सा बहुत ज्यादा, चिल्लाने का नहीं। स्टडी जलता है ना, वो तो जलेगा ही, इसीलिए तेरे को बोला है दारू नहीं पीने का है, दारू बहुत खराब चीज है। चलो अभी तेरे को बैंडेज लगाएगा, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करने का, ठीक है, बिल्कुल नहीं करने का, ओके। अच्छा भाई अभी अपन सोने को जाते हैं, तुम भी जाओ हम भी जाते हैं, नाइट। फादर मैं कन्फेस करने आई हूँ, मेरी वजह से बेचारे एंथनी को बहुत मार पड़ी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक आई डू यू लव मी यू यस। तुम यहाँ कन्फेशन बॉक्स में क्या कर रहे हो? आप उन इधर सफाई कर रहा था, तुमको देखा तो सुनने का चांस ले लिया। लेकिन किसी और का कन्फेशन सुनना पाप है। हम अपन के पार्टनर से माफी मांग लेगा। जेनी आई नहीं, इधर नहीं, फिर किधर? लेकिन उधर तो ज़िविस्को है। तुम उस जाड़ियों को एवरी टाइम अपने साथ लेकर क्यों घूमता है? क्या करूं, ये मेरा बॉडी गार्ड है। नहीं, आज से अपन तुम्हारा बॉडी गार्ड। नीचे आ, नीचे आ, जल्दी नीचे आ। देखा नहीं मैंने कैमरा खरीदा है, तेरी तस्वीर खींचनी है कैमरा की ओपनिंग से, ले जल्दी नीचे आ। आज नहीं आ सकती, अब्बा जान घर में है, ये फोटो खींचनी है, मैंने कल कर लेना। हाँ? अरे अब्बा जान को मार गोलियां, नीचे आना, मैं कह रहा हूँ। सलमा आई अब्बा, सुनो कल मिलेंगे, खुदा हाफिज। अरे सलमा सलमा, अरे कल किसने देखा यार? आजकल ये दुनिया में इश्क भी करना, ये मुसीबत कहाँ से चली आई? अरे बिजली तू क्यों यहाँ चली आई? बहुत दिनों से ये चांद सा मुखड़ा कोठे को चमकाने नहीं आया, इसलिए मैं खुद दीदार करने चली आई। अच्छा तो बुढ़ाओ भी दिल फेंक है हाँ? भी तो फौरन यहाँ से चली जाओ, नहीं तो कहीं किसी ने देख लिया तो मेरा फजीता हो जाएगा। बेटी नहीं तो चलो बुढ़ाओ की खींचते हैं क्या? तो फिर चुपके से 6 महीने का खर्चा ढीला करो, वरना खड़े खड़े इस फरिश्ते को शैतान बना दूंगी। लगता है बिजली कड़की। कड़की तो नहीं, जिस दिन ये बिजली कड़की ना, सारी वखार को जलाकर राख कर देगी मियां। ऐसा मत कहो बिज्जू, अब तुम यहाँ से चली जाओ, मैं फौरन पैसे भिजवा दूंगा। बेहतर होगा, आधा बर्जे आधा बर्जे। अकबर 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 अकबर, ये गंभीर चला तैया बाली सेठ, तुम मेरा फ्रेंड अकबर को मवाली लोग से मार खिलाए बॉल हाकी नहीं? हाँ चल किधर, अरे अरे
अरे बाजू हट। अरे ये मुझे चिन्ने छोड़ के ले जा रहे हैं। अरे कोई खबर करो सलमा बेटी, पुलिस को खबर कर दो, कर दो। अरे ऐसा आए, उतरना नहीं। हाँ नहीं पुलिस, चल रहे हैं। अरे पुलिस, अरे जल्दी से पुलिस को फोन करो। अरे देखते जाओ कम वक्त, पुलिस को फोन करो। पुलिस पुलिस काजी साहब को पकड़ के लाया, अभी तेरा और सलमा का शादी बनाएगा अभी इसी वक्त, फटाफट। चले काजी साहब, स्टार्ट हो जाओ। अरे लंबू भाई, मेरी एक बात तो सुनो। टिंगू, तुम्हारा हाइट कितना है? हमारा हाइट 4 फुट 4। माई कसम, एक हाथ मारेगा 2 फुट 2 इंच कर देगा। मगर आवाज नहीं, आवाज नहीं मांगता। हाँ चल एक बार उठ जा। नहीं अंतुली भाई, मैं आज से शादी नहीं करूंगा। अरे क्या भंगस करता है रे ये काजी साहब, दूसरे लोगों का शादी करता होता, अपन इसको उधर से उठा के लाया। उठा के लाया कि नहीं काजी साहब? बस इसीलिए तो नहीं करनी, चाहता तो मैं भी हाथ उठा सकता था, लेकिन मैं मार पिटाई से नहीं अंतुली भाई, प्यार मोहब्बत से इंसान को जीतना चाहता हूँ। तुम ये फिलोसफी और शराफत का बात अपन के सामने मत करो, अपन बहुत सुना, अखा जन्म चर्च में सुनता रहा है। तुम अभी बोलो, आप उनको क्लियर बोलो, शादी करने का कि नहीं? जब तक ये अपनी बेटी का हाथ अपनी मर्जी से मेरे हाथ में नहीं देता, तब तक तुम्हें नहीं करूंगा। अरे इसका क्या, एक लाफा मारेगा अभी राजी हो जाएगा। ये रे, क्या बोलता है रे? देख देख, अपन तेरे को लास्ट चांस देता है, उठता है? नहीं बोला ना। तुम अक्का जिंदगी ऐसे ही सड़ता रहेगा, ऐसे ही। और ये टिंगू है ना, ये टिंगू अपना लड़की का शादी किसी और के साथ करेगा। फिर अपन के पास आके मत बोलना कि एंथनी भाई अपन मोहब्बत में लुट गया, बर्बाद हो गया, नहीं तो अपन तुम्हारा थोबड़ा बात कर देगा, समझा? और आज के बाद अपन से बात नहीं करेगा। Go to hell! Hey, टिंगू, चलता है? अपन को कंट्री में कोई इज्जत ही नहीं है। ये क्या बदतमीजी है, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं, हटो सामने से। कहां जा रही हो? इट्स नन ऑफ योर ब्लडी बिजनेस, तुम कौन होते हो पूछने वाले? किससे मिलने जा रही हो, उसी लफंगे एंथनी से? मुंह संभाल कर बात करो जिडिस्को, तुम सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड हो। यही तो मैं भी कहता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, सारी जिंदगी तुम्हारी बॉडी को गार्ड करता रहूंगा, ताकि तुम्हारी जिस्म को मेरे सिवाय कोई छू ना सके। क्या बकते हो? बकता नहीं, ठीक कह रहा हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी। You bastard! अगर ये लोहा होता तो मुरोड़ के फेंक देता। Get inside! Hello, मुझे रॉबर्ट से बात करनी है। सर? यस, आपके फोन। रॉबर्ट स्पीकिंग। मिस्टर रॉबर्ट, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। कौन हो तुम? सवेस्को, तुम तुम्हारी बेटी के लिए क्या कीमत दे सकते हो? मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बेटी का हाथ मेरे हाथ दे सकते हो तो इसी शर्त पर तुम्हें तुम्हारी बेटी मिलेगी। मुझे मंजूर है। तो फौरन 325 सिल्वर बीच पे पहुंच जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैनी कहाँ है? अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है सर। बॉयफ्रेंड? जी हाँ, एक है जिससे वो छुप छुप कर मिलती है। सर ग्रेसी साथ में गई है। जैनी के बॉडीगार्ड तुम हो या ग्रेसी? सॉरी सर। आइंदा ऐसी गलती ना हो, समझे? जी। सबिस्को, टिंग अप 532859। Jenny.
लगता है वो लोग आ गए। कमान कमान जल्दी आओ, चल आओ सब लोग। ओ माय गॉड, चलिए फॉलो इन क्विक, कम ऑन जल्दी चलाओ। लगता है पिच्छू वाला बहुत स्पीड में आ रहा है। ऐसा तो गाड़ी आदमी लाइफ में दो ही टाइम भगाता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का के। जेनी, जेनी, जेनी मालूम पड़ता है तुमको, तो सुबह शाम उठते बैठते जेनी नजर आता है और कुछ नहीं दिखता क्या? हाँ हाँ आई जेनी, जेनी मैं मौका देखकर जहां भी गाड़ी रोकू तुम फर उतर कर भाग जाना। लेकिन अंकल आप, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं इनसे निपट लूंगा, जैसे कहता हूं वैसे करो। कमान कमान ओवर टेक, इस पे एक बार, अरे तू उधर सवाल हम जनी को लेके जाता है, ओके? ठीक है राजन, यहाँ कोई बेड खाली नहीं। खाली नहीं? वो बेड नंबर 102? वो तो अकबर इलाहाबादी का है। अकबर इलाहाबादी मैं हूँ, दो घंटे पहले बेड खाली कर चुका हूँ। आप? जी, लेकिन इनके हाथ बहुत खराब है, आप आ जल्दी मिल कीजिए।
क्या नाम लिखो? नाम इनका नाम लिखिए किशन लाल। हाँ, जो किशन का बच्चा फिर हमारे हाथ से निकल गया। ना जाने मेरी बेटी मुझे कब मिलेगी। कौन बड़ी रॉबर्ट, चेनी आज नहीं तो कल मिली जाएगी, लेकिन उसके साथ मेरी शादी का प्रॉमिस याद है। रॉट रॉट, मैं कोई प्रॉमिस रॉमिस याद नहीं रखता हूँ। अरे वाह, इतनी जल्दी आप अपने प्रॉमिसेस भूल गए। हर कोई बात नहीं, आज मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जिसे देखकर आपको सारे प्रॉमिसेस याद आ जाएंगे। मिस्टर रॉबर्ट, कौन है वो? हेल्प रॉबर्ट, तो तुम्हारे आदमी मुझे यहाँ लाए? No, Albert. मैंने कुछ नहीं किया। I swear my brother. Don't call me your brother. I hate you. हम एक ही माँ बाप की बेटी जरूर है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह खूनी और स्मगलर नहीं। मैं एक इज्जतदार आदमी। लेकिन ये तो 10 साल से विलायत के नेशनल बैंक में मैनेजर है, यहाँ कैसे आया? आओ मैं बताता हूँ। तुम्हारा भाई बेचारा ऑल बैंक कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ आया था, अचानक मुलाकात हो गई, तब से यहाँ हमारे गेस्ट। देखो रॉबर्ट, पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है, और अगर तुम पकड़े गए फांसी का फंदा तुम्हारे गले लग जाएगा। इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, चेनी की शादी मुझसे करवा दो और तुम एल्बर्ट बनकर लंदन चले जाओ। Leave me alone, I said, leave me alone. एल्बर्ट का क्या होगा? एल्बर्ट का? एल्बर्ट का देखभाल मैं कर लूंगा। और सुनो, किशनलाल जरूर किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होगा, उसी से पता चलेगा कि जेनी कहाँ है। अकबर बेटे, अरे यहाँ का मरीज कहाँ गया? ऑपरेशन के लिए ले गए हैं। ऑपरेशन के लिए? लेकिन मैं तो उसके लिए दरगाह के फूल लाई हूँ। ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? वो सामने। किशनलाल, 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 बतला मेरी बेटी कहाँ है? बोलो नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नो सर, ये इस तरह होश में नहीं आएगा। डॉक्टर होइस, जल्दी होश में आओ, जल्दी जल्दी। ये है इसकी शक्ति, उसे अब तक बचाती रही है। डॉक्टर साहब, मैं मरीज को ये दरगाह के फूल देना चाहती हूँ। दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए। जल्दी करो, कम ऑन, कम ऑन। डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मुझे मरीज को पूजा के फूल देने हैं। जाओ, देखो कौन है, जाओ, जाओ, भगवान के लिए दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। जाओ, बचाओ, मरीज की हालत खराब है। किशनलाल की बीवी है। अब मेरी बेटी मुझे मिल जाएगी, इसे अपने साथ ले चलो। तुम चुप बैठो रंजीत, गाड़ी मोड़ो ना आगे से, कम देखो, चुप बैठो, गोली मार देगा तुमको। बाबा, मैं तुम्हारे दर्शन कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे दर्शन कर सकती हूँ बाबा। भाभिया, बेटा, तू अकबर है ना? हाँ माँ जी। अकबर, आज तेरी भक्ति
और बाबा के चमत्कार से मुझे आंखें मिली। अब मैं तुझे अच्छी तरह देख सकती हूँ, अच्छी तरह देख सकती हूँ। लेकिन आपकी हालत माँ जी, ये बेटा मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, बड़ी मुश्किल से बच के आई हूँ। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, आइए मेरे साथ आइए। अब्बा अब्बा आइए माँ जी, माँ जी ये मेरा अब्बा जान है। और अब्बा ये वही फूल वाली माँ जी है जिनका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ। जानती हो अब्बा आज एक करिश्मा हुआ, आज बाबा की मेहरबानी से माँ जी को अपनी आंखों की रोशनी मिल गई। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आप आज से करीबन 22 बरस पहले मुझे सड़क पर जख्मी हालत में मिली और फिर मैं ही आपको घर छोड़ने गया, याद है ना आपको? वो आप थे? हाँ बहन, याद है वो काली रात। उस काली रात को मैं कैसे भूल सकती हूँ जिस रात को मैंने अपने पति और तीनों बच्चों को खोया था। और हाँ, उस रात को आपको भी कोई खोया हुआ बच्चा मिला था। अब तो काफी बड़ा हो गया होगा। अब्बा जान की मोहब्बत और आपकी दुआओं से वो काफी बड़ा हो चुका है। अब्बा जान उसे प्यार से अब्बू कहते हैं, आप उसे बेटा और दुनिया उसे अकबर इलाहाबादी के नाम से जानते। राजू, ये तस्वीर? ये तस्वीर मेरी है माँ जी। तुम्हारी? लेकिन लेकिन ये तस्वीर तो मेरे छोटे बेटे राजू राजू की है। जी, आपका बेटा? हाँ, मेरा राजू। वाह रे परवरदिगार, बहन इसे कहते हैं अल्लाह की शान, जब आंखें छीन ली तो औलाद भी छीन, आज आंखें लौटा दी तो औलाद। यही यही मेरा राजू है। राजू राजू अम्मी जान, हमने अपना काम पूरा कर दिया, चलिए। अम्मा बचाओ। बेटा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हुए मुझे शर्म सी महसूस हो रही है। शुक्रिया किस बात का भैया सेठ, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन मुझे जो पहले अपना फर्ज अदा कर देना चाहिए था, जो आज तक मैंने पूरा नहीं किया, वो अब पूरा किए देता हूँ। खुदा तुम दोनों को सलामत रखे। आज कितना अजब दिन है, एक तो अब्बा जान राजी हो गए और दूसरा वो तुम्हारी फूल बेचने वाली बुढ़िया है ना, जिसको तुम अपनी माँ समझते हो, आज उसके शौहर हॉस्पिटल में एडमिट हुए। क्या
क्या? हाँ, आज जिसको तुमने एडमिट किया वो इसके शौहर है। कि वो